हल्दी उन्होंने भी मेरे इधर लगाई है, मैंने भी लगा दी थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़ा आया, सब परिवार वालों के साथ बहुत मज़ा आया। तो बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मस्ती में लग गई उनके आँख में, मेरा इंटेंशन तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। इसलिए मेरा इतना कंसर्न है उनके लिए, इतना गिल्ट है कि मुझसे गलती से ऐसे लहू कैसे हो गया। तो मैं देखने गई थी, इतना मैं केयर करती हूँ उनके लिए, तो मैं इसलिए देखने गई थी कि सब ठीक है या नहीं। तो शिव तो कह रहे थे कि वो ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि चलो ठीक है वो। बट आई थिंक तभी भी थोड़े से खफा से लग रहे थे, तो वो मुझे जानना पड़ेगा कि क्यों खफा लग रहे थे। मेरे ऐसे अतरंगी प्लान तो नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि जो करना चाहिए एक ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, एक इनोसेंस के साथ करना चाहिए। आप दिल के अच्छे हो तो आई थिंक वो खुद ऑटोमेटिकली ही आई थिंक ही विल फॉल्स। सो थैंक यू, थैंक यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने शिव की आंखों में हल्दी डाल दी, तो मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। तो उसके गिल्ट से मैं अंदर गई हूँ उनको देखने के लिए कि वो सब ठीक है। हल्दी उन्होंने भी मेरे इधर लगाई है, मैंने भी लगा दी थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़ा आया, सब परिवार वालों के साथ बहुत मज़ा आया। तो बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मस्ती में लग गई उनके आँख में, मेरा इंटेंशन तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। इसलिए मेरा इतना कंसर्न है उनके लिए, इतना गिल्ट है कि मुझसे गलती से ऐसे लहू कैसे हो गया। तो मैं देखने गई थी, इतना मैं केयर करती हूँ उनके लिए, तो मैं इसलिए देखने गई थी कि सब ठीक है या नहीं। तो शिव तो कह रहे थे कि वो ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि चलो ठीक है वो। बट आई थिंक तभी भी थोड़े से खफा से लग रहे थे, तो वो मुझे जानना पड़ेगा कि क्यों खफा लग रहे थे। मेरे ऐसे अतरंगी प्लान तो नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि जो करना चाहिए एक ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, एक इनोसेंस के साथ करना चाहिए। आप दिल के अच्छे हो तो आई थिंक वो खुद ऑटोमेटिकली ही आई थिंक ही विल फॉल्स। सो थैंक यू, थैंक यू। बड़ी गलती हो गई कि मैंने शिव की आंखों में हल्दी डाल दी, तो मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। तो उसके गिल्ट से मैं अंदर गई हूँ उनको देखने के लिए कि वो सब ठीक है। हल्दी उन्होंने भी मेरे इधर लगाई है, मैंने भी लगा दी थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़ा आया, सब परिवार वालों के साथ बहुत मज़ा आया। तो बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मस्ती में लग गई उनके आँख में, मेरा इंटेंशन तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। इसलिए मेरा इतना कंसर्न है उनके लिए, इतना गिल्ट है कि मुझसे गलती से ऐसे लहू कैसे हो गया। तो मैं देखने गई थी, इतना मैं केयर करती हूँ उनके लिए, तो मैं इसलिए देखने गई थी कि सब ठीक है या नहीं। तो शिव तो कह रहे थे कि वो ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि चलो ठीक है वो। बट आई थिंक तभी भी थोड़े से खफा से लग रहे थे, तो वो मुझे जानना पड़ेगा कि क्यों खफा लग रहे थे। मेरे ऐसे अतरंगी प्लान तो नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि जो करना चाहिए एक ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, एक इनोसेंस के साथ करना चाहिए। आप दिल के अच्छे हो तो आई थिंक वो खुद ऑटोमेटिकली ही आई थिंक ही विल फॉल्स। सो थैंक यू, थैंक यू।